लेकिन मैं एक बात बता दूं, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी भागे घूम रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत हैं जिनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, और पाकिस्तान को मेरे प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो बोला वहां पे एक नेता चौकीदार चोर है। जनता ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, आजकल सांसद भी नहीं है। ये ताकत है जनता की, पहले जान लीजिए। मुझे तो सबसे अच्छी यहाँ की जनता लग रही है, नहीं, दोनों नहीं, के लिए ताली बजा रही है। मैं तो गर्व से कहता हूं, भारत की जनता है ही सबसे अच्छी। सबसे अच्छी जनता अगर है तो भारत की है। यहां यहां एनसीसी के कैडेट बैठे हैं, भारत का भविष्य है तो वो लोग हैं। मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं। अब मैं एक बात और कहूंगा, मैंने लिखा इसीलिए, इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि स्मृति जी ऐसे ऐसे करती, ऐसे ऐसे। स्मृति जी वो करके महिला दिखाइए है, शांत हो जाइए, बीच में नहीं एक बोल बार रहा था, दोबारा करके अब दिखाइए। शांत, हाँ ऐसे, ये लीजिए शांत, अभी बताता हूं मैं, हाँ शांत, बौखलाइए मत। स्मृति जी वो महिला है, उपनाम के तौर पे नहीं, लेकिन राहुल गांधी को उठा के अमेठी से फेंक दिया और वायनाड पहुंचा दिया, वो महिला है, याद रखिएगा। महिला की बात आई और मणिपुर की बात आई, इधर उधर नहीं भागेंगे। जो मणिपुर में हुआ शर्मसार करने वाला, हमारी बहन थी वो। राजनीति होती है तब दर्द होता है, क्यों अंजना जी? गृह मंत्री जी, उनका मंत्रालय है, संसद के पटल पर कहते हैं चर्चा करेंगे, केवल मणिपुर पे करेंगे। चर्चा करने आ जाओ, इतनी हिम्मत नहीं है कि उस पर चर्चा कर दे। खड़गे जी का लेटर लेके आया हूं, दिखा दूंगा। उन्होंने कहा पहले देश का प्रधानमंत्री बोलेगा, चर्चा उसके बाद होगी। आप ये मुझे बताओ, सारे लोग बहुत समझदार हो, आप चर्चा करो, सुझाव दो, आलोचना दो, तार तार कर दो, काट डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का वक्तव्य पहले होगा, चर्चा बाद में होगी। ऐसी संसदीय प्रणाली केवल वो 52 सीटों वाली पार्टी जिनके पास जोकर भी है, ताश के पत्ते होते हैं, वही कर सकती है। एक बात और, एक आग्रह और, अभी शांत, देखिए मुझे लगता है, अभी आपके बारे में सुनिए, महिला अस्मिता, महिला मणिपुर की हो, मिजोरम की हो, राजस्थान की हो, उत्तर प्रदेश की हो, केरला की हो, हमारी बहन है, हर महिला की अस्मिता अस्मिता है ना। मैं पूछना चाहता हूं, एनसीआरबी का डेटा है मेरे हाथ में, 6,337 रेप उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी एक बार बोलते हैं कि वो जो महिला राजस्थान की है उसकी अस्मिता के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन तभी लड़ूंगी, पहले उसका धर्म देखूंगी, पहले देखूंगी उस प्रदेश की सरकार किसके है, उसके बाद अपनी आवाज बुलंद करूंगी। थूकता है भारत ऐसी राजनीति पे जो पहले देखेगा कि किस प्रदेश से है, उसके बाद ध्यान देगी। मुझे लगता है संसद में 303 सांसद इनके हैं, अब शायद 301 हैं, विधानसभाओं में इनकी पूरी के बहुमत है मैक्सिमम जगह, किसी ने रोका है इनको? राजस्थान से इनके विधायक अभी वॉकआउट करके चले गए, एजेंडे में भी नहीं लिखवाया कि हम लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करना चाहते हैं, चेक करा लीजिएगा राजस्थान की विधानसभा। सुनिए ना गौरव जी, मोदी जी आप बताइए ना, आप टीम इंडिया की बात करते थे, जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य का पैसा उन परियोजना पर लगा है, लेकिन आपको तो कोई दूसरा सुहाता नहीं ना, स्टेज पे मैं ही मैं रहना चाहिए। अभी इन्होंने 2-3 बात कही, एनसीआरबी के आंकड़े 2021 के बाद के जो आंकड़े हैं उनको जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। अरे इक्कीस के बाद क्या आंकड़े आए? अरे नहीं सुनिए भाई साहब, दिखा दे चुनौती। अरे मैं वही कह रहा हूँ, 21 के बाद आंकड़े नहीं आए, कह रहे उसके बाद क्या आंकड़े? मैं इसी बिंदु पर आना चाहता था, मैं आपके मुंह से कहलवाना चाहता हूँ। मेरे मुंह से सुनिए ना भाई, राहुल गांधी के मुंह से। अरे भाई सुनिए तो सही, चिरैया कहलवा दीजिए। अरे सुनिए, अरे सुनिए ना भाई, मेरे मुंह से कहलवा रहे, वहां उनकी जबान लड़खड़ा रही है, मेरे मुंह से कहलवा रहे। आलोक जी, एक व्यक्ति जो सांसद भी नहीं है, जिसको अनैतिक तो तरीके से संसद से बाहर पाप कर दिया है, तो पाप बताया जाएगा? उससे इतनी बौखलाहट, इतना डर,
वही राहुल गांधी कहता है मणिपुर कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। अरे भाई किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, मैं उस लेवल पर नहीं जा सकता हूं, मैं उस लेवल पर नहीं जा सकता हूं जिस भाषा का आप उपयोग करते हैं। लोकतंत्र जीवित है, आपने लोकतंत्र मर गया है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की जय हो, मैं ऐसा नेता वैसा प्रवक्ता, मैं देश के प्रधानमंत्री को, की बारी आएगी कि नहीं आएगी प्लीज, मैं देश के प्रधानमंत्री को फेंकू और भगोड़ा कहूंगा। चौकीदार चोर है, बोला था काम पकड़ के माफी मांगो, उठा बैठा करो, आप देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, मैं बोलू मैं बोलू, नेता बोल रहा है तुम्हारा, वो बच्चा जो तुम्हारे साथ नहीं चल रहा बोलिए, बिल्कुल नहीं, जो बात उठाएंगे उसका जवाब तुरंत देंगे, सूद समेत देंगे, अभी यहीं पे आलोक जी, लेकिन संसद में नहीं बोलेंगे, संसद में जब बोलेंगे, संसद में जब बोलेंगे तो राहुल गांधी अपनी आंख मारेंगे और कहेंगे आओ मोदी जी गले लगाता हूँ, जब संसद में बोलेंगे भाग खड़े होंगे राहुल गांधी, यहाँ से लेकर संसद से लेकर लाल किले की प्राचीर तक झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री। भैया सीटें बचा लो, लेकिन लेकिन मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, भाग खड़े हुए थे, हिम्मत हो तो शांति से सुनी, अमेठी से शांति से सुनी, आगे जाएंगे तो आएगा गिर जाएंगे। आप ही आप हैं क्या यहाँ पर, कुछ और लोग भी हैं प्लीज, तो आप उनकी बात जब आप उन्हें समय दे रही है तो हम भी कोशिश कर रहे हैं पूरा करने दीजिए, डॉक्टर साहब और रेंज को भी बोला प्लीज सर प्लीज। देखिए धारा 370 पर भी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, संविधान पर झूठ बोलते हैं, अनुच्छेद को धारा ही कहते हैं हिंदी में, अनुच्छेद आवाज जा रही है आपकी नहीं जा रही, अनुच्छेद का पर्यायवाची धारा है, आपको पता ही नहीं है एक्ट में आता है सेक्शन, अरे भाई और अनुच्छेद होता है आर्टिकल जो संविधान में आता है, पढ़िए फिर मैं कहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन, वकील साहब पढ़िए, वकील साहब संविधान पढ़िए, ठीक है धारा बता रहे, धारा होती है इंडियन पेनल कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, एविडेंस एक्ट में, लैंड एक्विजिशन एक्ट में, संविधान में नहीं होती। सबसे अच्छा नहीं है भैया, चर्चा करा दो, सबसे अच्छा धीरेन जी का, अंजना जी एक ही व्यक्ति को बुलवा लीजिए, हम सब चुप हो जाएंगे, चर्चा करेंगे पढ़ेंगे नहीं अंजना जी, हम सब पढ़ेंगे नहीं, फुटबॉल का मैच चल रहा है, अंजना जी हम चुप हो जाते हैं सब लोग, आप गौरव जी को बुलवाए, हर दो सेंटेंस के बाद तो बोल ही बोलिए, हर दो सेंटेंस के बाद बोलिए, ये कौन सा तरीका, गौरव जी अब प्लीज एनफ प्लीज, आपके लिए केवल आपके लिए, नहीं ये तरीका गलत, दिस इज रॉन्ग, आप बोलिए, आप लोग तालियां बजा रहे हैं, धारा 370 हट गई, घर जाके मोबाइल को चेक कीजिएगा, धारा 370 की पावर्स को यूज करते हुए दो बदलाव आए, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और आप लोग तालियां बजा रहे हैं, उसको ऑर्डिनेंस को पढ़िएगा, पहला सेंटेंस है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज टू चेंजेस, पूरे देश को झूठ पर ताली बजाने की आदत डाल दी। मुद्दे पर आते हैं, मणिपुर से देश के प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं, मणिपुर पर गौरव भाटिया जी क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने उस राज्य को तबाह कर दिया, कॉन्फिडेंस मोशन आए दो दिन हो गए, देश के प्रधानमंत्री चुनावी भाषण देते घूम रहे, लेकिन मणिपुर पर बात नहीं करेंगे, वो भविष्य है, आज भविष्य है, जनता सर्वोपरि है, मणिपुर की जनता सर्वोपरि नहीं है क्या, क्या मणिपुर में जनता हिंदुस्तान की नहीं है क्या, पाकिस्तान की है वहां, मणिपुर के ऊपर मां नहीं बोलेंगे, तमाम प्रवक्ता यहां पर आकर चिल्लाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो देश के प्रधानमंत्री जागे, जब आज तक ने रात को वो वीडियो दिखाया पूरी तरह से तब बाकी चैनल जागे, अब सीएम कह रहे हैं कि 90 सीएम कह रहे हैं 100 से ज्यादा ऐसे सैकड़ों केस हो गए, प्लीज ये दोनों फुटबॉल मैच देखते हैं, थक गए, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, अंजना जी केवल दो सेंटेंस कहना चाहूंगा, पहला सेंटेंस पॉजेस मत लीजिएगा, प्रधानमंत्री जो संसद से भाग रहे हैं और जाकर चुनावी भाषण दे रहे हैं, वो मणिपुर के घाव के ऊपर नमक छिड़ा रहे हैं, मणिपुर के लोग कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी आप मणिपुर नहीं आ सकते, आपका डेलीगेशन नहीं आ सकता, आपका एक प्रवक्ता यहां नहीं आ सकता, लेकिन आप चुनावी भाषण दे सकते हैं, मणिपुर जल रहा है पिछले 86 दिन से 87 दिन से और उसके बावजूद आप भाषण देंगे कहां संसद के बाहर।